हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एवन स्टडी। आज हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि 2, 4 और 6 यानी दूसरा, चौथा और थर्ड, ये जो आपके सेमेस्टर हैं 2, 4 और 6, इन 3 सेमेस्टर के बारे में बात करूंगा कि इनका सिलेबस क्या है, क्योंकि अब आपके पेपर जो हैं समाप्त हो चुके इवन सेमेस्टर वाले, और सेमेस्टर के सिलेबस की हम बात करें वो और के समाप्त हो चुके हैं सॉरी, और अब जो बात चलेंगे आपके इवन सेमेस्टर की चलेंगे यानी 2, 4 और 6। आज मैं सोच रहा था आपको 2, 4, 6 इनका अलग अलग सिलेबस दिखाऊं, लेकिन आपका भी टाइम बेकार होता तो मैंने एक जगह इसका सिलेबस कर दिया है। और अगर आपको देखना है तो आपको करना है टेलीग्राम पे जुड़ जाना, जो वीडियो है इसी की डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से इस PDF को मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर देख लेना। तो एवन स्टडी में आपका स्वागत है, मैं इंजीनियर कपिल चौहान। चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस की बात कर रहे हैं तो फिर इसके बाद में हम मंडे से क्लासेस स्टार्ट आपकी हो जाएंगे। ध्यान रखना, इस वीडियो को शेयर कर दें आप लोग, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि बच्चों को पता चल जाए कि इवन सेमेस्टर की क्लासें आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी होगा, चाहे वो 2 सेमेस्टर का हो या आपका 6 सेमेस्टर का हो, जौन सी भी क्लास हो आपकी, उनकी वो बात कर सकता है 2, 4, 6 तीनों सेमेस्टर। तो अगर मैं बात करता हूँ सेकंड सेमेस्टर की, तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं मैथ की। पहला इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। सेकंड, फर्स्ट जो मैथ है वो आप पढ़ चुके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, और ये सेकंड मैथ है ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। इसकी क्लास थोड़ा टाइम के बाद आएंगे, यानी 10 से 15 दिन बाद इसकी क्लास आएंगी मैथ की, जो 10 से 15 दिन बाद आपकी क्लास आएंगी, ये आपको ध्यान रखना। अभी नहीं आएंगी, मंडे से और सेमेस्टर क्लासें चलेंगी अभी। और कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये भी एक पेपर होता है, इसको 4 से 5 दिन में कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। 2D है आपकी, 3D आपकी ज़्यादा दी नहीं है, तो 2D डिजाइन मुझे करवानी है आपकी, 2D में करा दूंगा बहुत जल्दी है। फिर थर्ड सब्जेक्ट आपका आता है अप्लाइड मैकेनिक्स। इस मैकेनिक्स को जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ये भी शायद मंडे या नेक्स्ट मंडे से, या तो इस मंडे से हो जाएगी या फिर बात करूँ नेक्स्ट मंडे से जो आपकी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद में BME यानी कि बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये थ्योरी का सब्जेक्ट आप पढ़ लेना, आप कहें तो मैं पढ़ा दूंगा इसको। और फिर बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। ये जो सिलेबस था ये सेकंड सेमेस्टर का था। अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर की ओर, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, सेकंड में देखो ये आपको बेसिक, ये तो आपको पढ़ना, ये वर्कशॉप मिल जाएगी और ये भी है, और एक क्या गया आपका मैथ, ये तो आपका ऑल ब्रांच में रहता है। लेकिन जब फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा होता है कि हमारे ही ब्रांच में रहेंगे, यानी कि अगर आपकी सिविल ब्रांच है तो फोर्थ सेमेस्टर में आपकी ब्रांच के सब्जेक्ट आएंगे, अगर आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल से ही आपके फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट आएंगे, एनी अदर मैकेनिकल हो, CS हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, APC हो, एनी अदर जो भी ब्रांच है आपकी, वही आपके ब्रांच के सब्जेक्ट आते हैं। लेकिन फोर्थ में इन्होंने एक सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, ये जो सब्जेक्ट आपका कॉमन है ऑल ब्रांच में, ये सब्जेक्ट आपका ऑल ब्रांच में कॉमन है, यानी सभी ब्रांच में आपको मिलेगा। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सब्जेक्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी अलग हटा दीजिए, ये भी थ्योरी होती है पूरी, ये मिल जाता है ब्रांच में, यानी कि 5 सब्जेक्ट हैं मेरे पास में जो मैं आपको पढ़ूंगा और जो आपकी ब्रांच से रिलेटेड हैं। पहला तो हाईवे है, दूसरा इरिगेशन इंजीनियरिंग है, तीसरा सर्वे फर्स्ट है, चौथा RCC स्ट्रक्चर है, और 5वां RCC ड्राइंग है। तो अभी जो मैं आपके सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा, यानी कि मंडे से जो सब्जेक्ट आपके स्टार्ट होंगे वो RCC स्ट्रक्चर और RCC ड्राइंग होंगे। क्योंकि अब कहेंगे सर आप पहले तो देखो ड्राइंग की ज़्यादा कह रहे थे बच्चे, इसलिए ड्राइंग तो स्टार्ट करूंगा वैसे ही पहले ही। अब इसमें मेरे साथ इन दोनों सब्जेक्ट को साथ क्यों ले रहा हूँ, अगर सपोज करो मुझे ड्राइंग में बनानी है 1वे स्लैब, 2वे स्लैब और 1वे स्लैब होंगे आप ड्राइंग में बनाओगे, जब मैं इस 1वे स्लैब को आपको इस RCC स्ट्रक्चर में पढ़ा दूंगा, इसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा कि 1वे स्लैब कैसी दिखती है, कैसी होती है, कैसे पहचान करोगे,
और फिर इस बनवे स्लैब की आप ड्राइंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट वो पढ़ने चाहिए जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो। जब मैं आरसीसी स्ट्रक्चर और आरसीसी ड्राइंग दोनों पढ़ाऊंगा तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे, तो इसलिए बात करूंगा। तो अभी कब पढ़ेंगे हम? मंडे से स्टार्ट करेंगे। आरसीसी स्ट्रक्चर आपका 3 दिन चलेगा, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। इन 3 दिन तो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर चलेगा और बाकी के जो 3 दिन बचे उसमें चलेगा आपका आरसीसी ड्राइंग। जैसे आपका बचा थर्सडे, उसके बाद में आपका बचा फ्राइडे और उसके बाद में आपका बचा सैटरडे। संडे को क्या होगा? संडे को आप लोग जो भी कमेंट करेंगे, जितनी भी आपकी कमेंट आएंगी क्वेश्चन से रिलेटेड, चाहे आपका उसमें क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेरीज हो, संडे को उन सभी का आपको आंसर मिला करेगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेरीज होंगी उन चीज़ों की। तो अभी हमारी क्लास जो चलेगी आरसीसी स्ट्रक्चर की चलेगी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और थर्सडे से हमारी आरसीसी ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें 10 से लेके 15 दिन लगेंगे समाप्त करने में। इसको समाप्त करने के बाद फिर हम चलेंगे अपने सर्वे की ओर या इरिगेशन। इस इन दोनों सब्जेक्ट उठा लेंगे, लास्ट में हाईवे कर लेंगे। यानी कि आपके जो पेपर हैं वो मई लास्ट के समथिंग होने के चांस हैं। अगर मई में ना हुए तो जून में 100% पेपर हो जाएंगे और तब तक हम 100% सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक, ये तो 4 सेमेस्टर की मैंने बात की थी। अब जो लास्ट सेमेस्टर है वो है हमारा 6th सेमेस्टर। अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर यहाँ भी ड्राइंग है, तो यहाँ भी मैं ड्राइंग पढ़ाऊंगा पहले, लेकिन अपने हिसाब से। वो कैसे? देखो इसमें सभी आपके, देखो इसमें एक चीज़ और रहेगी पीछे, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपको 1 महीने करनी होती है। जब आपके 4 सेमेस्टर के पेपर हो जाएंगे तो 1 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी आपको। अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो, ट्रेनिंग करने के लिए जगह ना मिल रही हो या सर्टिफिकेट वगैरह से कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे संपर्क कर लेना, मैं आपका ट्रेनिंग पे कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करा दूंगा। चिंता मत करना, इंडस्ट्री ट्रेनिंग की इतनी टेंशन नहीं लेते। आप बता देना, मैं आपको ट्रेनिंग की पूरी जानकारी दे दूँ, कैसे ट्रेनिंग करोगे, कहाँ भेजना। अगर आपको जगह भी नहीं है, आप अपना डिस्ट्रिक्ट बता देना मुझे कि सर इस डिस्ट्रिक्ट से हूँ, उसी डिस्ट्रिक्ट में मैं आपको ट्रेनिंग पर भिजवा दूंगा, तो इसकी चिंता ना करें। और व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता ही है मेरा, क्योंकि व्हाट्सएप भी करते हैं, कॉल उस पर करना नहीं है। 6396487734 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप कोई भी क्वेरी हो वो कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर सबसे बेस्ट करें, क्योंकि टेलीग्राम पर जल्दी आंसर मिल जाएगा आपको अपेक्षा व्हाट्सएप के। लास्ट सेमेस्टर हमारा 6th सेमेस्टर में हमारे एक तो क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, इसी को हम शॉर्ट में कहते हैं, जैसे बोल देते हैं ना कि एस्टीमेट, इसी सब्जेक्ट का नाम है एस्टीमेट। क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन को हम एस्टीमेट बोलते हैं, CMAED। इसमें आप क्या करते हैं कि जो भी आपकी, कि आप किसी लेबर को जैसे साइट पर गए हैं तो लेबर को आप कैसे संभालोगे, कुछ अकाउंट होते हैं, अकाउंटों को कैसे संभालोगे, किस तरह का आपका बिहेव होगा, वो सारी चीज़ पढ़ी होती है। थ्योरी होती है, इसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे, इसकी भी आप चिंता ना करें। उसके बाद में CMAED के बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट होता है स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग और स्टील स्ट्रक्चर, ये 2 सब्जेक्ट हैं हमारे, ये हो गया कंप्लीट। अब ये 2 सब्जेक्ट आए, अब बच्चों ने कहा था इसे ड्राइंग स्टार्ट कर दीजिए। अब ड्राइंग के साथ में अगर मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पढ़ाऊंगा तो मैं स्टील स्ट्रक्चर भी आपको साथ पढ़ाऊंगा। वही चीज़ जैसे मैंने अभी आरसीसी 4 सेमेस्टर वालों के लिए बताया था, अगर आपकी जब मैं थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा तो क्या बचेगा? ड्राइंग, तो आप सिंपल समझ में आ जाएगा ना, मुझे भी ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, आपको भी सिंपल समझ में आ जाएगा। तो डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग स्टार्ट होगी। अब क्या होगा? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ये भी आपकी 3 दिन चलेगी, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, 3 दिन ये चलेगी। और जो बाकी के 3 दिन बचे आपके स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के, वो आपकी थर्सडे चलेगी, एक फ्राइडे चलेगी और एक सैटरडे चलेगी, इन 3 दिन चलेगी। बाकी का जो हमारे पास बचा संडे, संडे को वही काम करेंगे जो 4 सेमेस्टर वालों के साथ में हम कर रहे हैं। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको हम लेंगे और संडे को सभी का हम आंसर दे देंगे। अगला आता सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है सिविल इंजीनियरिंग। जैसे एक CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो 4th सेमेस्टर में था, इसमें क्या पढ़ेंगे 4th सेमेस्टर वाले? 2D पढ़ेंगे, थोड़ा सा 3D में जाते हैं। लेकिन ये 6th सेमेस्टर वाले क्या करते हैं? 2D पढ़ेंगे,
3D पढ़ेंगे और एक दो सॉफ्टवेयर और है वो भी पढ़ेंगे। अगर आप ये पढ़ना चाहते हो तो ये अलग चैनल है हमारा, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। और ये मैक्सिमम पेड होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर दूसरे टीचर पढ़ाते हैं, वो पेड पढ़ाते हैं। और लास्ट आपका आता है इसमें एनवायरमेंट मैनेजमेंट। तो इसमें अभी हमारा बात चलेगी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग पे, दो सब्जेक्ट करेंगे। इन दो को करने के बाद में फिर हम एस्टिमेट करेंगे, उसके बाद में CMAD और एनवायरमेंटल। ये भी यानी कि मई जून जब भी आपके पेपर होंगे उससे पहले हम 100% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में लास्ट आपको होता है इसमें प्रोजेक्ट वर्क। ये प्रोजेक्ट वर्क अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा और एक शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है कि लास्ट में आपको कोई भी ग्रुप बनाएगा, टीचर आपका एक ग्रुप बनाएगा। एक ग्रुप के माध्यम से आपको कुछ स्पेसिफिकेशन मिलेंगी, या तो आप बिल्डिंग की बात करेंगे, या आप रोड की बात करेंगे, या आप ब्रिज की बात करेंगे। जिस भी स्पेसिफिकेशन में टीचर दे देगा आपको उसकी एक प्रोजेक्ट फाइल बनाओगे। ये प्रोजेक्ट फाइल वही होती है जो आपने, मैंने आप लोगों को भी बताया था, जो फोर्थ सेमेस्टर वाले इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, यही प्रोजेक्ट फाइल के अंदर हमको शो करना होता है। तो इसमें इतना बड़ा काम नहीं है। फिलहाल आप सब्जेक्टों पे ध्यान दो। मंडे से हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, स्टील स्ट्रक्चर पढ़ेंगे 3 दिन, उसके बाद में हम बाद में पढ़ेंगे स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग को 3 दिन बाद। तो फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की क्लासें आपकी स्टार्ट हो गई। बात करें सेकेंड की तो कुछ दिन बाद मैथ आपका स्टार्ट हो जाएगा, मैंने बता ही दिया है। मैकेनिक्स भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, वही 3 3 दिन चलेगी आपकी ये। और संडे को आपका वही जो भी क्वेरीज होगी उसका हम आंसर दिया करेंगे। और इसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा आपको कंप्यूटर एडेड डिजाइन के। अब बात करते हैं इन दो की, ये जो सब्जेक्ट आप कर लेना क्योंकि कॉमन है और इसमें थ्योरी है, पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, पढ़ने में भी नहीं आएगा। मान चलो 1 घंटे में जितना पढ़ाऊंगा ना, 1 घंटे में बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, थ्योरी होती है ये। इतना हो गया, तीनों सेमेस्टर के मैंने बता दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। और आपको जैसे मैंने फोर्थ सेमेस्टर वालों को बताया कि फोर्थ सेमेस्टर में RCC की ड्राइंग और स्ट्रक्चर चलेगा, सिक्स सेमेस्टर वालों को बताया कि इनमें स्टील की ड्राइंग और इनका स्ट्रक्चर चलेगा, और सेकंड सेमेस्टर वालों को मैंने बताया है कि इनके में एक तो मैथ चलेगा और एक मैकेनिक्स चलेगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर नहीं, अभी हमको मैथ नहीं चाहिए, मैकेनिक्स नहीं चाहिए, कुछ और सब्जेक्ट चाहिए, या स्टील की जगह कुछ और चाहिए, RCC की जगह, यानी कि ये सब्जेक्ट मैंने अपनी मर्जी से रखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर इनमें कोई सब्जेक्ट नहीं, ये वाला कोई अदर, कोई भी आप एक अदर सब्जेक्ट बताएंगे सर ये चलना चाहिए इनकी जगह पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें कि सर इस सब्जेक्ट को आप स्टार्ट कर दीजिए। या फिर जैसे मैंने 3 दिन पहले स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, बाकी के 3 दिन में ड्राइंग पढ़ाऊंगा, अगर आप चाहते हैं कि पहले 3 दिन में ड्राइंग पढ़ाऊं, बाकी के 3 दिन स्ट्रक्चर पढ़ाऊं, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो ड्राइंग बढ़िया होगी, इसलिए मैंने पहले 3 दिन स्ट्रक्चर पढ़ाने का फैसला किया था। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अपने फ्रेंड के पास इसको शेयर कीजिए, उन लोगों को भी पता चले कि क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं नेक्स्ट सेमेस्टर की। और उतनी अच्छी आप लोगों को पता है कॉलेजों में इस समय पढ़ाई हो नहीं रही है। मैंने आप लोगों को पिछले सेमेस्टर में ही कह दिया था, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में तबीयत खराब थी इसलिए पूरा नहीं करा पाया था, कि पेड बैच तो चलेंगे चलेंगे, अगर आप पेड बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पेड ले लीजिए। उसके बाद में आपको YouTube पर भी, मैं YouTube पर क्या करूँगा, मैं पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा, आपका कंप्लीटेड सिलेबस मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपकी इच्छा है कि अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो आप पेड बैच में एनरोल हो जाइए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आराम से करा दीजिए तो आप YouTube पे बने रहिए। क्योंकि मैंने कहा था आप लोगों के लिए सिक्स सेमेस्टर यानी कि जो अगला सेमेस्टर आएगा, चाहे वो सिक्स हो या फोर हो या टू हो, इनका मैं YouTube पे पूरा कराऊंगा, तो मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ। तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आए तो मैं और अच्छी तरह को आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी हम इतनी बात करते हैं, अब मिलते हैं मंडे को। मंडे को मिलेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी करेंगे। ये सिलेबस नहीं, ये तो हमने कर लिया, RCC स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे मंडे को, तो उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमको सिलेबस पता होगा तभी तो हम कुछ करेंगे ना। तो मंडे को मिलते हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों से, और सिक्स सेमेस्टर वालों से ही मंडे को मिलते हैं स्टील के सिलेबस के साथ। और कोशिश करेंगे सिक्स सेमेस्टर वालों के साथ मिलने की,
सिक्स सेमेस्टर वालों के साथ मिलेंगी मैम। तो आज के लिए इतना काफी है।